.304 36 राउंड इनसे 7.62 mm स्टार पिस्टल्स के मिले हैं और एक पार्ट AK सीरीज असॉल्ट राइफल का मिला है। इसके अलावा इन्होंने पूरा जो इनका सीक्वेंस था, जो इन्होंने कैसे ये गैदर हुए, कहाँ ये मिले, कुछ चीज़ें हम आपसे नहीं शेयर कर सकते, हमने इनफैक्ट काफ़ी लेबोरेटली आपको बता ही दिया है, वो सारा हम उसको बिल्कुल एक चेन की तरह एस्टेब्लिश कर पाए हैं, विच वी विल बी शेयरिंग विद द अदर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, जहाँ जहाँ इन्होंने जो जो क्राइम कर रखा है। पंजाब पुलिस से भी हम रेगुलरली कोऑपरेट करते आए हैं और जो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन होगी, क्योंकि सीन ऑफ क्राइम वहाँ है, जो मेन इन्वेस्टिगेशन है वहाँ है, लेकिन हमारे भी जो मकोका केस में इनको अरेस्ट किया गया है, मकोका केस में ऑलरेडी हमने इनके सिंडिकेट के, जैसे कि आपको ऑलरेडी मेंबर्स पता हैं, ऑलरेडी अरेस्ट किए हैं, लॉरेंस बिश्नोई को अरेस्ट किया है, राजकुमार राजू बसोदी को किया है, संपट नेहरा, रविंदर सिंह, जगदीप जग्गू, प्रियव्रत काला, राहुल सांगा, नरेश सेठी, अनिल लीला, अक्षय, सचिन भांजा, संदीप काला जथेड़ी, वरेंद्र प्रताप काला राणा, ओम प्रकाश काला, दीपक टिन्नू, और इन सबको ऑलरेडी स्पेशल सेल ने मकोका केस में अरेस्ट किया है। तो इस मेन केस में इनकी भी अरेस्ट की करी गई है, क्योंकि ये उन्हीं के सिंडिकेट के मेंबर हैं, और फर्दर जो भी कार्रवाई होगी, जब हमें लगेगा कि आपसे शेयर करनी है तो हम आपसे शेयर करेंगे। देखिए, वो AK सीरीज़ की राइफल हमें अभी तक पता है, जो इनकी इंटरोगेशन से इस्टेब्लिश हुआ है, AK सीरीज़ की थी, और उसकी तो फॉरेंसिक्स हो जाएगी, डेफिनेटिव कोरोबोरेशन तो फॉरेंसिक से ही हो पाएगी, और जब वेपन मिल जाएगा। किस तरह के वेपन से इन लोगों ने गोली चलाई? जो अभी तक हमें इस्टेब्लिश हुआ है, जो इंसिडेंट में यूज़ हुई है, वो एक AK सीरीज़ की असॉल्ट राइफल हुई है, मल्टीपल पिस्टल्स यूज़ हुए हैं, और ये जो ग्रेनेड्स वगैरह इन्होंने रखे हुए थे, ये भी इनके पास थे, और पिस्टल्स भी इनके पास रिजर्व थे जो हमने रिकवर किए हैं। तो ये इंसिडेंट में इन्होंने बैकअप के लिए रखे थे, कि अगर बाय चांस कुछ ऐसा होता है कि इनकी पिस्टल से या ऑटोमेटिक वेपन से बात नहीं बनती, तो इन्होंने ये ग्रेनेड भी इस इंसिडेंट में यूज़ करने थे। 8 हैं। हाँ जी। और कहाँ के हैं, ये इम्पोर्टेड हैं, तो डिटेल हम आपसे जब रेलेवेंट होगा शेयर कर लेंगे। बलेरो गाड़ी में कशिश, अंकित सिरसा, प्रियव्रत फौजी, दीपक मुंडी। नहीं, ये फतेहाबाद रुके, क्योंकि इनको भी था कि बड़ा इंसिडेंट है और बड़ी घटना को अंजाम दिया है, और काफ़ी इनको पता था कि काफ़ी सारी मल्टीपल पुलिस फोर्सेस इनको पकड़ने की कोशिश करेंगी, तो ये काफ़ी अलर्ट थे, और काफ़ी इन्होंने अपने हाइडआउट्स बदले, काफ़ी और जो इनको पता था अपने आप को कंसील करने के लिए जो जो चीज़ें करनी थी, इन्होंने तमाम चीज़ों को अंजाम दिया। नहीं, मनप्रीत मन्नू और जगरूप रूपा इंसिडेंट के बाद, थोड़ा सा फासले के बाद अलग हो गए। ये तो ऐसे हाइपोथेटिकल आंसर करना तो बहुत मुश्किल है। दोनों मॉड्यूल गोल्डी बराड से कनेक्टेड थे, दोनों को इंस्ट्रक्शन आ रही थी।